हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा फाइंड मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर को आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो बना के लाया हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का, सर्कल है और आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मिसिंग नंबर इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। इनमें से कोई नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। अब वो नंबर क्या है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं देखता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि सर्कल में आपके पार्ट कितने हैं। यदि 4 पार्ट का सर्कल है, ठीक है, देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, 4, ठीक है। तब आपको रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों में, ठीक है, क्रॉस में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो 7 यहाँ पर 36 कैसे आया होगा, ठीक है। तो 7 में मल्टीप्लाई किया होगा 5 से, तब आपको क्या मिला, 35, और 35 में आपने 1 ऐड किया तब आपको क्या मिला, 36। तो यही प्रोसीजर आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने में करना है, ठीक है, प्राप्त करने में करना है, ठीक है। तो क्या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 में तो आपको क्या मिलेगा, 40, और 40 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 41। तो यहाँ पर क्या फेल होगा, 41। तो आपका 4th ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, इसे और आप समझ लीजिए। फिर आपको यहाँ पर क्रॉस रिलेशन देखना है, ठीक है, इन लोगों का, इन नंबरों का क्रॉस रिलेशन देखना है, ठीक है। तो जो नंबर आपको फाइंड है उनमें आप रिलेशन देखें। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखें तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25 में 1 ऐड कर दिया है तब क्या मिला आपको, 26, ठीक है। तो सेम रिलेशन आपको 9 नंबर के लिए फाइंड करना होगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका, 9 का स्क्वायर क्या है आपका, 81, और 81 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 82। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर आप 82 फिल कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं, कितने जल्दी आप इनके उत्तर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ ही सेकंड में इनके उत्तर फाइंड कर लेंगे। आइए इसी टाइप के एक और अगले टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, यदि सर्कल में 4 से ज़्यादा आपके पार्ट दिए हों तब आप मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो यदि आपके 4 से ज़्यादा पार्ट दिए हैं तब आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए पहले नंबरों की प्रोसीजर देखनी है, किस टाइप से नंबर फिलअप किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 8, फिर 14, फिर 26, फिर 32, और ए मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। यदि आप 8 को गौर से देखें और इन नंबरों को देखें तब 8 आपको कैसे मिला, 2 × 3 से आपको क्या मिला, 6, और 6 में फिर 2 ऐड हो गया तब आपको क्या मिला, 8, ठीक है। और फिर अगला नंबर देखें आप, तो अगला नंबर आपको कैसे मिला, 4 × 3 आपका 12, और 12 में 2 ऐड हो गया तो 14। आप देखो तो 2 के बाद 4, ये सब क्या है, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं में ये प्रोसीजर हो रहा है। आप ऐसे ही 26 को देखें तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था आपका, 6 के बाद यहाँ क्या आएगा, 8। तो 8 × 3 आपका क्या, 24 + 2, तो ये आपका क्या हुआ, 26। और 8 के बाद सम संख्या क्या होती है, 10 के बाद 3, तो 30 में आप 2 ऐड करेंगे तो 32। तो इसी प्रकार कौन सी संख्या रह गई, अभी आपकी इवन नंबर 6, तो यहाँ पर क्या आएगा,
सिक्स इंटू थ्री 18 प्लस 2 इज 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 20, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आपको नंबरों की प्रोसीजर देखनी है, किस टाइप से नंबर फिलअप किए गए हैं, क्या उसमें एल्गोरिदम है, ठीक है। यदि आपने पहचान लिया तब आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।